of who you are. I give you glory. I give. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Yet I'm a servant,
make me careful of what I'm praying for. Make me careful of what I'm asking for. Make me careful that I may receive what you have. आज हम दुआ के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे पास बाइबल हैं, अगरचे वो पेपर्स में हैं या डिवाइसेस में हैं। कितने लोग हैं जो चर्च जाते हैं और अपने साथ बाइबल लेकर जाते हैं? अपना हाथ बुलंद करें और मेरे साथ कहें आमीन, हालेलुया। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, सैमुअल नबी की किताब उसका 12वां बाब हम चंद मिनट के लिए पढ़ेंगे। इस हफ्ते में एक बुनियादी असूल के बारे में मैं बात करूंगा, जो खुदावन यसु के सच्चे सिपाही और ईमानदार हैं, और यही दुआ का असूल है। मैं यकीन रखता हूं कि आजकल चर्च में लोग दुआ का असूल भूल गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। मसीही लोग घंटों सफ़र करते हैं होटल का कमरा हासिल करने के लिए, घंटों सफ़र करते हैं इधर उधर जाने के लिए, लेकिन वो दवाइयाँ मीटिंग्स में नहीं जाते। हम देखते हैं लोग बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में जाते हैं, $80 खर्च करके, $90 खर्च करके और $100 खर्च करके उनका टिकट खरीदते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं वो जगह भरी हुई होती है। लोग ये सब पैसे खर्च करते हैं टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटी दवाइयाँ मीटिंग में कोई फीस नहीं होती, और वहाँ पर लोग बहुत बहुत कम जाते हैं कि ताकि दुआ कर सकें। बदकिस्मती से हम मसनूई मसीही बन चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कन्वेंशंस का, गानों का, म्यूज़िक का, वर्शिप सॉन्ग का लुत्फ़ लेना चाहते हैं, उनसे लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, हम उनसे लुत्फ़ होना चाहते हैं। इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं? मेरे लिए क्या है? बाइबल वाजिया तौर पर जबूर 103 में कहती है, और उसमें लिखा है, खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। हम आजकल मसनूही मसीही बन चुके हैं। इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हम देखते हैं लोग सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं,
वहाँ का टिकट हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ वो उसको वर्शिप सॉन्ग्स को और इबादत को इंजॉय करके वापस आ जाते हैं। वो दुआ नहीं करते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। हमारा जो चर्च है, हम जो इस चर्च से खुदावंद का कलाम सुना रहे हैं पूरी दुनिया को, हमारा जो चर्च है, हम सब मिलकर दुआ करते हैं। मैं भी दुआ करता रहता हूं और आप भी दुआ करते रहते हैं ताकि आप पुरसकून जिंदगी गुजार सकें। हमारा चर्च एक अस्पताल जैसा है जिसमें हम सख्त दवाइयां देते हैं। कितने लोग दवाइयां लेते हैं और कभी कभी ये आसान नहीं होता। सब जानते हैं इसके अच्छे नतीजे मिलते हैं। हम खुदावंद का कलाम सुनाते रहेंगे और इसके लिए माफ़ी नहीं है। हम आज दुआ के बारे में बात करेंगे। हम घुटनों के बल भी दुआ करते हैं और इसी से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और दुआ से ही हम खुदा को सुन सकते हैं। आए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। दुआ से ही हम अपनी जिंदगियों के मसले से जान छुड़वा सकते हैं। हर ईमानदार के लिए दुआ एक मरकजी नुक्ता और हिस्सा होना चाहिए और ये हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज होना चाहिए। दुआ इंसानी जिंदगी का एक लाजमी जुज है। मैं एक दफा फिर दोहराऊंगा, दुआ इंसानी जिंदगी का एक अहम और लाजमी जुज है और यही हमारी सांस भी है। हमारी सांस होनी चाहिए। हम सब कहें कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। एक दवाइया जिंदगी बहुत ताकतवर जिंदगी होती है। जिस जिंदगी में दुआ नहीं होती वो ताकतवर नहीं होती। बहुत सारे मसीही इतने ताकतवर नहीं हैं रूहानी तौर पर और वो शैतान से हार जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी दुआइया जिंदगी नहीं होती। इसलिए शैतान हम पर हावी हो जाता है और हम शैतान से हार जाते हैं। हम शैतान के आगे हथियार डाल देते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु के करीब रहना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, अगर हम उसकी खिदमत करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद का ताकतवर हाथ हम में काम करे और हमारे ज़रिए से, तो फिर बहुत 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 ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। ये एक ऑप्शन नहीं है बल्कि ये एक ज़रूरत है। अगर खुदावंद यीशु ने अपने लिए दुआ का असूल बनाया रोज़ाना की बुनियाद पर, जब मैं कहता हूँ असूल तो ये असूल ही है और ये असूल कुदरती नहीं है बल्कि ये बनाना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर दुआ करना, ऐ खुदा मैं अभी, हम कभी कभी कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कहते हैं ऐ खुदा मैं अभी दुआ नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाक साफ नहीं हूँ, मुझे अभी सफाई करनी है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे बच्चों को इधर उधर लेकर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा जहन इधर उधर चला जाता है, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। हम उन ख्यालात में सोचते हैं कि टीवी पर क्या आ रहा होगा, कौन सा प्रोग्राम आ रहा होगा। ये सब ख्यालात जब हम दुआ करने लगते हैं तो हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। मोबाइल और डिवाइसेस हमारी ज़रूरत है और हम इस पर काम भी करते हैं और अब हम अपना मिनिस्ट्री काम भी इसी पर करते हैं और 24 घंटों में मुझे पैगामात मिलते रहते हैं और इस पर लोगों के लिए दुआ करते हैं। और हम जानते हैं जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना कोई गलत बात नहीं है।
यहाँ पर सवाल है, क्या डिवाइस आपको इस्तेमाल करती है या डिवाइस आपको इस्तेमाल करती है? मैं फिर सवाल को दोहराऊंगा, क्या डिवाइस आपको इस्तेमाल करती है या डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हैं? एक दफा फिर दोहराऊंगा, मैं तीन दफा इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग मेरे इस सवाल पर गौर करें, क्या डिवाइस आपको इस्तेमाल करती है या डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हैं? मैं ये कहूंगा आजकल, और मैंने यह देखा भी है, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि आजकल डिवाइस आपको इस्तेमाल करती है। आप डिवाइस में इस कदर खोए होते हैं कि आपको साथ बैठे हुए बंदे का नहीं पता लगता। यह एक बुत बन चुका है मसीही जिंदगी में। मैं ये कहूंगा दवा से बड़ी कोई चीज नहीं है, और इस असूल को हमें सीखना है। खुदावन यीशु मसीह जो हमारा बचाने वाला है, उसने कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर दुआ करो। खुदावन यीशु ने भी यही असूल अपनाया दुआ की, ताकि बाप की मर्जी को पूरा कर सके। हमें अपनी दुआया जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारी जिंदगी नस्बो जब्त में आ सके, और आज हम इस किस्म के सवालात पर गौर करेंगे। हम क्यों दुआ करते हैं, हम कब दुआ करते हैं, हम किस चीज के लिए दुआ, हमें किस चीज के लिए दुआ करनी है, दुआ करने का नुक्ता क्या है, दुआ करने में क्या मुश्किलात हैं, हमें कैसी दुआ करनी है। यहां पर बहुत सारी इकसाम की दुआएं हैं। यहां पर जाती दुआ है, कम्युनिटी दुआ है, नजात के लिए दुआ है, शुक्रगुजारी के लिए दुआ है, तोबा के लिए दुआ है। अगर पहला सैमुअल की किताब उसका 12 बाब पढ़ें, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप से दुआ मांगे। है खुदा बाप, हम आज की सुबह तेरे पास आते हैं, हम आज के दिन अपना दिल खोलते हैं, हम अपना जहन खोलते हैं कि आज हम वो सुने जो तू कहेगा। ऐ खुदा बाप, मेरे इस जिस्म को इस्तेमाल कर जो मैं कलाम सुनाने कहूँ, मेरे होंठों को इस्तेमाल कर, मेरी जबान को इस्तेमाल कर, मेरे जहन को इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरा कलाम और तेरे नाम का प्रचार सही तरीके से कर सकूँ, और तेरे कलाम की वजह से जो मैं सुनाऊँ उससे बतेरों की जिंदगियाँ तब्दील हो जाएँ। हर कोई जोर से बोले आमीन। इससे पहले हम बाइबल को पढ़ें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। इसराइल काजियों की रहनुमाई में रह रहा था, उनके पास बादशाह नहीं था, और वो काजियों की रहनुमाई में रह रहे थे, और फिर उन्होंने सैमुअल से दरख्वास्त की कि हमें अपना बादशाह चाहिए। आए हम बाइबल पढ़ें, पहला सैमुअल उसका 12वां बाब और उसकी 12 से 17 आयत तक। इसमें कुछ यूं लिखा है, और जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहिस तुम पर चढ़ाया, तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब उस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो खुदावन ने तुम पर बादशाह मुकरर कर दिया है। अगर तुम खुदावन से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावन के हुक्म से सरकशी ना करो, और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावन अपने खुदा के पैरों बने रहो तो खैर, पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और उस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा।
क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावन से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावन के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने के लिए कितनी बड़ी शरारत की। सब जोर से कहें आमीन। वो शैतानी चीज यानी बुरी चीज क्या थी जिसके बारे में इसराइली लोग सैमुअल से पूछ रहे थे? वो ये थी कि खुदा को चुनने की बजाय वो आदमी को चुन रहे थे। आपको याद रखने की जरूरत है, शाऊल इसराइल का पहला बादशाह था और इसके बादशाह बनने से पहले खुदा बादशाह था। यह खुदा का प्लान था कि इसराइल को एक इंसानी बादशाह दे। कितने लोग जानते हैं कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ? इसराइल के पास बादशाह था इंसानी शक्ल में, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पहचाना कि वो खुदावंद यीशु मसीह है। यह बात इसके बारे में नहीं है कि इसराइल बादशाह की ख्वाहिश कर रहे थे। वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि जिस तरह दूसरी कौमों के बादशाह हैं, हमारा भी इसी तरह का बादशाह हो। अगर आप इसे पहले बाब पढ़ें तो आपको सब पता लग जाएगा। मैं एक दफा फिर कहूंगा कि हम सबको दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ से ही हमारा मुलाप खुदा बाप से हो सकता है। और हम उसके पास इस बुनियाद पर आते हैं कि हमें उस पर भरोसा और एतमाद है, वो हमसे प्यार करता है। और मसीही जिंदगी का ये बुनियादी अंसर है कि हम खुदावंद पर भरोसा रखें और एतमाद करें। और ये जानने की जरूरत है खुदावंद हमारी जरूरियात पूरी करेगा और वो रोजाना हमारे साथ रहेगा। और ये सीखना कि खुदावंद हमारी हर जायज जरूरत को पूरा करेगा और हम खुदावंद के फजल से किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होगा। और हमें जरूरत है कि उस पर भरोसा रखें और एतमाद रखें। और अक्सर हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मैं चाहता हूं ये हो वो हो, और हमको खुदावंद से यूं दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूं, मैं आप पर ईमान रखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप रास्तबाज हैं और खुदावंद आपके पास मेरी जिंदगी के लिए मंसूबा है और ये मंसूबा मेरी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है। और हमें खुदावंद पर बहुत ज्यादा ईमान रखना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए, और ईमान इस बात पर कि खुदावंद ही निजात दहिंदा है। और बाइबल मुकद्दस एक सच्ची किताब है और हम कहते हैं जो भी मजाहिब और आला तालीम जो कुछ भी पेश करते हैं बतौर निजात, मैं उनको रद्द करता हूं, क्योंकि मेरा निजात दहिंदा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह है। वो मुझे निजात दे सकता है। उसकी निजात दहिंदा जिंदगी से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। ऐ खुदावंद तू मुझे निजात दे, क्योंकि तू ही मेरा निजात दहिंदा है। तेरे वसीले के बगैर मैं बाप से नहीं मिल सकता। और बाइबल कहती है अपने पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। और खुदावंद पर भरोसा रखना एक चैलेंज से कम नहीं। हमें खुदावंद पर तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी मुरादें हमारी जरूरियात को सुनता है। जैसे जैसे हम अपने ईमान में आगे बढ़ते जाते हैं और उतना ही ज्यादा हमारा भरोसा खुदावंद पर मजबूत तर होता जाता है। और अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हम पर भरोसा करता है और हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करता है, और वो हमारे बोझ उठाता है और हमारे साथ चलता है, और हमारा खुदावंद पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। अगर हम खुदावंद पर भरोसा रखेंगे तो मैं एक दफा फिर कहूंगा कि वो हमारी जरूरियात को सुनेगा, वो हमारी इल्तजाओं को सुनेगा, वो हमारी दुआओं को सुनेगा। और इसके बरक्स अगर हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो बाइबल के इस आयत के बरक्स है जिसमें कहा गया कि अपने पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर।
और दूसरा पहलू जो इस आयत का है, ना सिर्फ खुदावंद खुदा पर तवक्कल करूं बल्कि अपने फहम पर तकिया ना करूं। और हम बनी नू इंसान बड़ी आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं और खुदावंद पर भरोसा करने की बजाय अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी का एक पहलू देखते हैं लेकिन खुदावंद के सामने हमारी पूरी जिंदगी के तमाम पहलू हैं। बल्कि उस तरह जिस तरह हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी पीछे की तरफ जा रही है तो हम पूरी रेलगाड़ी को पीछे की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जबकि खुदावंद के नजदीक उसका इंजन और तमाम बोगियां हैं जो उस इंजन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके सामने हमारा मुस्तकबिल है और वो जानता है कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है और हम क्या फैसला करने वाले हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत होगी। और अगर हम अपने फहम पर भरोसा करते हैं तो हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है और हमारी बसीरत महदूद है, और ये बड़ा खतरनाक है कि हम सिर्फ अपने फहम पर तकिया करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करो और अपने फहम पर तकिया करो। आज ये अहद करें कि खुदावंद पर तवक्कल करें और अपने फहम पर तकिया ना करें। अगर हम खुदावंद पर तवक्कल करते हैं तो खुदावंद हमारा साथ देता है, वो हमारे साथ चलता है और हमारी तमाम जरूरियात को वो पूरा करता है। और कई दफा ये होता है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद को अपने तमाम जिंदगी की तफसीलात के मुताबिक बताना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मुझे ये हुआ और मैंने ये किया, लेकिन असल बात यह है कि खुदावंद पहले ही से हमारी तमाम जिंदगी के मुताबिक जानता है और कहता है कि खुदावंद फलां को शफा दे और फलां को रोजगार दे। हम ये कहते हैं कि खुदावंद फलां को शफा दे और फलां को रोजगार दे और उसकी वो जरूरत पूरी कर और इस तरह से उसकी मदद कर और इस तरह से दूसरों की मदद करे, और इस तरह हम अपने फहम पर तकिया करना शुरू कर देते हैं। और कई दफा मैं दुआ कर रहा होता हूं कि खुदावंद मुझे फला चीज चाहिए और यकीनन मैंने अपने फहम पर तकिया किया होता है और मुझे नहीं पता होता कि वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह एक दफा हमने चर्च बनाने का सोचा ताकि हम उसमें दुआ कर सके और इकट्ठे हो सके। वो जगह जो हमने चर्च बनाने के लिए चुनी बहुत अच्छी थी और हमने खुदावंद से दुआ करना शुरू की कि खुदावंद हमारी मदद कर ताकि हम वो जगह खरीद सके। और हमने उस आदमी के साथ जिसकी जगह थी बात की, लेकिन उसने वो जगह देने से इनकार कर दिया और वो जगह हमें नहीं मिली। लेकिन इसी दौरान खुदावंद ने हमें चर्च बनाने के लिए उस जगह से कहीं ज्यादा बेहतर और खूबसूरत जगह मुहैया की जहां पर उस जगह की निस्बत ज्यादा सहूलियात थी और हम जानते भी नहीं थे और खुदावंद ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है। और अक्सर औकात हम जानते भी नहीं होते कि खुदावंद का हमारे लिए क्या इरादा है। और इसीलिए बाइबल फरमाती है कि अपने पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करो और अपने फहम पर तकिया ना करो। और कुछ लोग कभी यानी यसु के निजात के मंसूबे को नहीं समझ सकते क्योंकि वो सिर्फ अपने फहम पर तकिया करते हैं। और साइंसदान हजारों साल के बाद ये जान सके जमीन और दूसरे सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं और जमीन और आसमान के दरमियान कशिश सकल है और हत्ता के सबसे छोटे अज़ा पर मबनी चीजों को जान गए यानी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। लेकिन उन लोगों ने कशिश सकल को तो जान लिया लेकिन आज तक ये नहीं बता सके कि कशिश सकल क्यों है और ये कैसे काम करती है और फिर किस तरह हम अपने आप पर और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में अपने फहम और अपनी अकल पर भरोसा कर सकते हैं। और इसीलिए हमने खुदावंद पर भरोसा रखना है बल्कि कहना है कि खुदावंद पर तवक्कल करो। और हम कभी कभी चीजों की वजूहात बताना शुरू कर देते हैं, हम अपने मंसूबा जात बनाना शुरू कर देते हैं और अपनी अकल पर भरोसा करते हैं। और हमें यह तस्लीम करने की जरूरत है कि खुदावंद कौन है। और जब हम अपनी जिंदगी की तरफ देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा कोई ना कोई
خالق ہے، اور نہ صرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بلکہ تمام مخلوقات کو بھی دیکھتے ہیں جو اس نے بنائی ہے، اور بائبل کہتی ہے تمام چیزیں اسی سے وجود میں آئیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے یا چیزیں خود بخود پیدا ہو گئیں، بلکہ خداوند نے سب کچھ بنایا کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس لیے اس کی خواہش ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ ہمارا خالق وہی ہے، اور اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس پر بھروسہ کریں اور اپنے علم پر فخر نہ کریں۔ اور بائبل کہتی ہے اپنی تمام راہوں میں اس کو پہچانے اور وہ تیری رہنمائی کرے گا، اور ضروری ہے کہ روزانہ ہم اس بات کا اقرار کریں، یعنی جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں ایک نیا دن دیا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک کاروبار کے سلسلے میں جا رہا تھا اور راستے میں سنگل کراسنگ آئی اور اشارہ سرخ ہو گیا، میں سب سے آگے تھا اور میں نے اپنی کار روکی اور پھر اشارہ سبز ہوا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے گاڑی نہیں چلائی، حالانکہ مجھے بہت زیادہ جلدی تھی، اور مجھے اتنی جلدی تھی کہ میری کوشش تھی کہ میں ایک سیکنڈ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں مجھے بہت ضروری جانا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گاڑی نہیں چلائی، اور اچانک دوسری طرف سے ایک ٹرک کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آیا اور گزر گیا۔ ذرا سوچے، اگر میں نے اپنی گاڑی چلائی ہوتی تو یقیناً میں اس ٹرک سے ٹکرا جاتا اور مارا جاتا، اور میں نے اپنی گاڑی ہی میں دعا کی، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے مجھے گاڑی نہیں چلانے دی اور تو نے ہی مجھے بچایا۔ مجھے پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ لوگ خداوند کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ ہمیں خداوند کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ وہی ہمیں ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہمیں بچاتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ اگر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں شیطان کے منصوبوں سے بچاتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں خداوند کے ہاتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہیں، خداوند ہی چیزوں کو حرکت دیتا ہے، اور خداوند ہی ہے جو ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے اور کام کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا سورج چمکتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا تاریکیوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، پھر بھی خداوند ہمیں سب کچھ مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی حکومتوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنے وسائل کی طرف دیکھتے ہیں جو سب ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی روزمرہ کی ضروریات اور روز کی روٹی خداوند سے مانگے، اور ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہی خدا ہے اور وہ ہی ہمارا خالق ہے۔ اور ہمیں بائبل مقدس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خداوند ایک پاک خدا ہے اور راست باز خدا ہے، اور اس کے برعکس جب ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم احساس نہیں کرتے کہ ہماری زندگی میں کون ہے۔ خداوند ایک پاک خدا ہے، اسے گناہ نہیں پسند، اس لیے آئیں اپنے گناہگار زندگی کو آج خداوند کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ آئیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، آج میں پھر ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آئیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ خداوند ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ ہمیں ان گناہوں سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانیں، خداوند کے سامنے جائیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کون ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کو تسلیم کریں،
ہمیں بائبل مقدس کے مطالعے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں اور اس کو مسرور کر سکیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزانہ اس پر انحصار کریں اور مانیں کہ وہی خداوند ہے۔ ہر جو شادی شدہ جوڑا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی اچھی گزرے، لیکن یہ خداوند ہے جو ان کو برکت دیتا اور ان کی شادی شدہ زندگیوں کو قائم رکھتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ حفاظت میں رہے، اور یہ خداوند ہی ہے جو گھروں کو تعمیر کرتا ہے اور بچوں کو برکت دیتا ہے، اور یہ خداوند ہے جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اور ہم ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ شیطان خداوند کے پاس آیا اور اس سے کہا، ایوب کے ساتھ اس لیے اچھا ہے کیونکہ تیرا ہاتھ اس پر ہے، اور اس نے خداوند سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹا تاکہ میں دیکھوں وہ کہاں تک تیرا وفادار ہے، اور خداوند نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور شیطان نے اس کی دولت لے لی، اس کے بچے لے لیے، اور اس کا بہت برا حال کیا، اس کے جسم پر بہت زیادہ دانے نکل آئے، بڑے بڑے دانے نکل آئے جن میں سے پیپ نکل رہی ہوتی۔ اور یوں یہی سب کچھ اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب خداوند اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اور شیطان ہم سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ ہم خداوند کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور اس لیے شیطان خداوند سے بھی نفرت کرتا ہے، اور وہ چور ہے جو چوری کرنے آیا ہے، اور وہ قاتل ہے جو جان اور تباہ کرنے کے لیے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسی لیے اگر خداوند اپنا ہاتھ ہم سے ہٹا لے اور شیطان کو اجازت دے دے تو ہمارا حال کیا ہوگا، اس لیے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ خداوند حفاظت کرنے والا ہے، خداوند مہیا کرنے والا ہے، اور حتیٰ کہ جب ہم کھائیں یا پیئیں تو اس وقت بھی ہمیں خدا کو ماننا چاہیے، کیونکہ خداوند ہی سب کچھ مہیا کرنے والا ہے، اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کہنا چاہیے کہ اے خداوند میں مانتا ہوں کہ تو ہی خداوند ہے، اور نہ صرف تسلیم کرنا ہے بلکہ یہ بھی ماننا ہے کہ خداوند تو ہی صرف مہیا کر سکتا ہے، خداوند تو ہی صرف حفاظت کرنے کے قابل ہے۔ اور جب ہماری زندگی میں تاریکی اور خوف کا دور آتا ہے تو یہ بھی ایک وقت ہے خداوند کو تسلیم کرنے کا، اس وقت آپ کہیں کہ اے خداوند میں جانتا ہوں تو ہی مجھے اس مشکل وقت سے نکالنے کے قابل ہے۔ ایک دن ایک خاتون ہمارے چرچ میں اپنے خاوند کے ساتھ آئی اور اس نے کہا میرے دماغ میں رسولی ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کے دماغ کا آپریشن ہو تاکہ رسولی نکالی جا سکے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ہم اور ہمارے پاسٹر صاحب نے دعا کرنا شروع کی، اور کچھ دنوں بعد وہ گواہی دینے کے لیے چرچ میں آئی، اور اس نے کہا ڈاکٹرز نے اسے آپریشن کا لباس پہنایا اور اس کا آپریشن کرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر بے ہوشی کی دعا دینے والا ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کیا آپ آپریشن کروانے کے لیے تیار ہیں؟ میں مسکرائی اور کہا میں تو تیار ہوں، لیکن آپ کو میرے دماغ میں رسولی ملے گی نہیں، کیونکہ ہمارے پاسٹر نے میرے لیے دعا کی ہے اور میرا پورا یقین ہے یسو نے مجھے شفا دی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہمارے پاس آپ کی تمام رپورٹس ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں رسولی ہے، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ آپ کا ایکس رے کرتے ہیں، اور اگر رسولی موجود ہوئی تو ہم آپریشن کریں گے ورنہ نہیں۔ اور ڈاکٹرز مجھے لے گئے اور میرے ایکس رے کروائے گئے، اور ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسولی موجود ہی نہیں تھی، اور اس وقت سے دونوں میاں بیوی ہمارے چرچ کے باقاعدہ رکن ہیں۔ یہ ہے خداوند کو تسلیم کرنے کا نتیجہ۔ میں نے اپنے گھر کے بہت سے بل ادا کرنے تھے، میں نے اور میری بیوی نے دعا کی اور خداوند سے کہا کہ اے خداوند ہماری مدد کر۔ ہفتے کو ایک نوجوان جوڑے کے گھر گئے اور وہاں بھی ہم نے مل کر دعا کی، اور جب دوسرے دن میں اپنے دفتر گیا تو تھوڑی دیر بعد میرا دوست آیا اور اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کا بونس پاس ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے چیک لکھ کر دیا۔
جس سے نہ صرف تمام بل ادا کیے بلکہ ہمارے پاس کافی سارے پیسے بھی جمع ہو گئے۔ اور خداوند ہم دیکھتے ہیں صرف معجزات کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ مہیا کرنے والا بھی ہے، جس طرح انہوں نے مجھے مہیا کیا۔ یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہمیں خداوند کے ہاتھ نظر نہیں آتے، جب ہماری مالی مدد ہوتی ہے، جب شفا کے معجزات ہوتے ہیں اور جب ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، بلکہ خداوند اپنے معجزات کے علاوہ بھی بہت اچھا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کی محبت اور رحمت کو تسلیم کرنا چاہیے، ہر طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ایک شخص تھا جس کا تمام جس چھالوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی بیوی خداوند کے بارے میں عجیب باتیں کر رہی تھی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بیوقوف عورت ہو، جب خداوند نے مجھے برکات بخشی تھی تو اس وقت میں خداوند کا بڑا مشکور تھا، لیکن اب جب کہ میں مصیبت میں ہوں تو مجھے خداوند کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، میں ہر حال میں خداوند کا وفادار رہوں گا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں خداوند کو ماننا چاہیے اور وفادار رہنا چاہیے، اور وہ ہماری راہوں میں ہماری رہنمائی کرے گا، اور یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے، اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے خداوند، میں خوف زدہ ہوں، میری زندگی میں یہ بوجھ ہے، میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس بوجھ سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ اے خداوند تو پوری کائنات کا خدا ہے، اور تو جانتا ہے مجھے کیسے اس بوجھ سے چھٹکارا دلائے گا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو خداوند ہے اور تو یہ کر سکتا ہے، میں اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور یہ جانتا ہوں تو یہ کر سکتا ہے، اور میں تجھے تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ آپ کی راہوں میں آپ کی رہنمائی کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ اور ہم خداوند سے کہیں کہ اے خداوند ہمیں برکت دے، اور آپ کو خداوند کی رہنمائی چاہیے، اور بائبل وعدہ کرتی ہے کہ وہ تمہاری راہوں میں تمہاری رہنمائی کرے، اور خداوند اس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر میں سے نکلے تو خداوند نے ان کی رہنمائی کی اور سمندر کو دو حصے میں تقسیم کر دیا تاکہ بنی اسرائیل آسانی سے گزر سکے، اور خداوند نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو وعدے کی سرزمین دے گا، اور وہ خداوند پر ایمان اور بھروسہ رکھتے تھے، اور ان لوگوں نے خداوند کے طاقتور ہاتھ کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب وہ وعدے کی سرزمین کے نزدیک پہنچے تھے تو وہ ڈر گئے، اور اس وجہ سے وہ 40 سال تک بیابان میں گھومتے رہے، اور ان کی ایک نسل اس بیابان میں گزر گئی کیونکہ انہوں نے خداوند کی رہنمائی قبول نہیں کی۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند آپ کے مستقبل میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میں کوئی دست جناسائی کی بات نہیں کرتا بلکہ بائبل مقدس کے وعدوں کی بات کر رہا ہوں، اور خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پالوس نے 3 دفعہ خدا سے دعا کی اور اس سے کہا، اے خداوند یہ بوجھ ہے مجھ پر، مجھے اس بوجھ سے چھٹکارا دے، اور خداوند نے 3 دفعہ انکار کیا، اور آخرکار پالوس نے اس بوجھ کو تسلیم کیا اور خداوند سے دعا کی، میں نے تیری مرضی کو مان لیا ہے، اور خداوند نے پالوس کو طاقت دی اور اس کی رہنمائی کی۔ کیا آپ خداوند کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کہیں گے میں اپنے روح سے خداوند کو تسلیم کرتا ہوں، میں یہ چیلنج آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ دیر مت کریں، برائے مہربانی دیر مت کریں، اس کو مذہب کے حوالے سے نہ دیکھیں، نہ راست بازی کے نظریے اور نہ ہی تعلیم کے حوالے سے، بلکہ یہ دیکھیں کہ بائبل کیا فرماتی ہے، اور بائبل فرماتی ہے یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس نے ہی یوحنا کی انجیل میں فرمایا ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو نئے سر سے پیدا ہونا ہے، اور یہ بھی جو کوئی میرے پاس آتا ہے میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا، اور اس نے کہا، اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ اور آپ یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور آپ یسوع پر ایمان لا سکتے ہیں، اور آپ خداوند کے کلام پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں روزانہ خداوند پر بھروسہ اور ایمان رکھوں گا، میں یسوع پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ کیا آپ یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ وفادار خدا ہے، آپ یسوع مسیح پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ شاید کوئی آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہو کہ نہ مانو، ہو
हो सकता है ये शैतान हो। खुदावंद आज आपको बुला रहा है कि उस पर ईमान लाएं। क्या आप खुदावंद पर ईमान लाएंगे? क्या आप ईमान नहीं लाए और अपने फहम पर तकिया करेंगे? अगर आप कहते हैं कि मैं मानता हूं खुदावंद खुदा को, तो उसको आपकी राहों में आपकी रहनुमाई करने दो। अगर आप इस पर एहसार करते हैं तो आप उसको वफादार पाएंगे और खुदावंद आपको बहुत प्यार दे और वो आपको बचाएगा और वो आपको और आपके खानदान को कभी अपने आप से जुदा नहीं करेगा। वो चाहता है कि मेरे पास आए और मुझे यकीन है कि आप खुदावंद को कबूल करेंगे, वो आपकी रहनुमाई करेगा। हम पास्टर को कहते हैं कि मैं दुआ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सो जाता हूं। मैंने सुना है कि इससे बेहतर नींद कोई है ही नहीं। जब आप दुआ करते करते सो गए हैं तो आपको इससे रोकना नहीं है, आपको दुआ करनी है। हमें इसके लिए कितनी कोशिश करनी है। हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है। खत्म करने से पहले मैं ये कहूंगा, दुआ ना करना एक गुनाह है। जब हम दुआ करने में फेल हो जाते हैं तो ये एक गुनाह है, ये एक गुनाह है। हम पहला सैमुअल और उसका 12वां बाब और 24 से 25 आय तक पढ़ेंगे। फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पर अगर तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। सब जोर से कहें आमीन। सैमुअल हमें कहना चाहता है और कहता है, खुदावंद की खिदमत करो, उसकी परस्तिश करो अपने दिल और जान से। आप सोचें कि उसने आपके लिए क्या क्या किया। जब आप सोचते हैं खुदा के बारे में, हम गाना गाते हैं, उसने मुझे कैसे बचाया, उसने मुझे उठाया, बढ़ाया, फैलाया, उसने मुझे कैसे चुना, उसने मुझे कैसे मजबूत चट्टान पर खड़ा किया, उसने मुझे कैसे शफा दी, उसने मुझे कैसे रूल कुद्दस से भरा, उसने मुझे कैसे अंधेरे से रोशनी में दिलाया। और जब मैं ये सोचता हूं तो मैं ऊंची आवाज से चलाता हूं हैलेलुया। कितने लोग कहेंगे कि खुदा बाप मेरे साथ बहुत अच्छा है। यहां पर कोई है जिसने आज नशे की आदत से छुटकारा पाया, जिसने आज शराब से छुटकारा पाया, जिसने आज जना से छुटकारा पाया है, जिसने आज नस्ल परस्ती से छुटकारा पाया है। अगर यह सब कुछ है तो हर कोई जोर से खुदावंद की शुक्रगुजारी करे।